ओम जी, जो जानकारी हमने भी अपने दर्शकों के सामने रखी, आप सीधे योगेंद्र यादव जी से सवाल पूछ रहे हैं इसलिए मैं उनको कहूंगी वो जवाब दें, लेकिन जो जानकारी हमने भी जुटाई, लॉकडाउन के दौरान किसान को एमएसपी नहीं मिला है, हरियाणा के किसान को भी नहीं मिला है, कहां हो रही है खरीद एमएसपी पर? किसान को मिला है बिल्कुल, और गत वर्ष की अपेक्षा धान और बाजरा अधिक मात्रा में बिका, रिकॉर्ड ले लीजिए, योगेंद्र जी बड़े रिकॉर्डों की बात करते हैं, उनसे बात करिएगा। योगेंद्र यादव जी सीधे आपको चुनौती दे रहे हैं कि आप सिर्फ मंडियों में घूम कर आ गए, यानी सिर्फ मंडी के लोग ही हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा खतरा है इससे। किसानों से बात कर रहा हूं, बात कर लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं योगेंद्र यादव जी। और ये बार बार आरोप भी लगता है कि मंडी आड़ती वो तमाम लोग हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं। एक बात दोहरा दीजिए क्योंकि उनकी आवाज फट रही थी, मैं पूरा सुन नहीं पाया। ओम सिंह जी का कहना था कि आप हरियाणा दौरे पर गए, आप जगह जगह गए, लेकिन उनका ये आरोप है कि आप सिर्फ मंडियों तक जाकर दौरा कर वापस आ गए, और ये आरोप भी बार बार लगता है। इसके साथ मेरा सवाल भी कि मंडियों पे या आड़तियों पर ये आरोप लगता है कि वो ज्यादातर है इसमें अगवा, क्योंकि उनको ज्यादा नुकसान होगा। आप ही बताइए, खरीदारी का सीजन है, मैं मंडियों का दौरा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? मैं कोई रेस्टोरेंट का दौरा करूंगा क्या? जब खेत में फसल कट चुकी है तो मैं खेत का दौरा करूंगा क्या? पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा। और इसका मतलब क्या है सारी बातचीत से? सिंपल बात यह है, मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूँ, अदब से वरिष्ठ व्यक्ति है मेरे ख्याल से, मैं पूछना चाहता हूँ हुजूर, इन तीन कानूनों से इनका क्या संबंध है? इस तरह की अनर्गल बातें करने से क्या फायदा? और भारतीय किसान संघ से मैं पूछना चाहता हूँ, 5 दिन पहले तक आप इस कानूनों का विरोध कर रहे थे, आरएसएस के नज़दीक होने के बावजूद 5 दिन पहले तक आपको इन कानूनों में बुराई नज़र आती थी, 5 दिन पहले तक आपका संगठन कहता था कि इनको संसद में जिस तरह से पास किया गया वो गलत है। 5 दिन पहले क्या नागपुर से फोन आ गया? अचानक कैसे मन बदल गया? जरा ये बताइए देश की जनता को। मैं मंडियों में घूमता हूँ किसान के लिए, ये कोई आरोप नहीं है हुजूर, ये तो मेरे सीधे जवाब आप ही को देना है इस पर। अब कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? रिश्तेदार रेवाड़ी में डॉक्टर बनके गरीब किसानों को लूट रहे हैं, सब जानते हैं ये। नहीं ओम सिंह जी, उनको सीधे सवाल पूछ रहे हैं ना, पहले आप विरोध कर रहे थे तो अब समर्थन क्यों कर रहे हैं? बताइएगा क्या कर रहे हैं आप अपने शो में। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।